जरूरत पड़ेगा तब बोलना। तुमको जाने नहीं बोल रहे हैं, तुमको बस इतना कह रहे हैं ना कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना सुधार देंगे, सुधार देंगे। और कहाँ से मुंह काला करके आया है? होते रहता है। नहीं सच्ची कह रहे, उधर 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 मुंह करो, उधर देखिए मुंह काला। टाइम नहीं है, कहाँ टाइम है तुम्हारे पास? फुर्सत में ना बैठे रहते, फ्री में। सरिया को उधर जाने का टाइम है अपना। देखिए हाथ में क्या रखा है, रेजर जो है नहीं वो छीलेगा। ये बच्ची का पूरा देखिए का बाल कटेगा क्या? ऐसे करो, कितना गंदे घर में कुछ बनने जा रहा है जो हम आप लोगों को रेसिपी शेयर करेंगे दिया हमको, और फिर इसी का हम लगा दिए। कितना कहानी सुनाएगी रे, पूरा भाई 100-200 का ऐसा कहानी सुनाती है कि एकदम। तुम करोड़ों का कारोबार करते तो कहे हम एकदम नीचे तरीके से बैठ के खाया करो ना। अरे प्रेम से बोलो, देखते कौन कौन सुनते हैं कि हम तो दो ही पीस खाते हैं। अभी इसका आधा पीस भी नहीं हुआ, एक पीस नहीं है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साफ ने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को पता है ठंड का आगमन हो चुका है, हमारे रांची में तो ठंड आ चुकी है। हम रात को ओढ़ के सोते हैं, और अब ऐसा हालत है कि हम लोग अब दिन में भी शॉल वगैरह ओढ़ने लगे हैं। ये शॉल मम्मी का है, मम्मी से पहले मेरा ही था, लेकिन हम शॉल संभाल नहीं पाते हैं, और मम्मी को ये वाला शॉल अच्छा लगा था। मात्र 300 में लिए थे, आज से 6-7 साल हो गया इसका, और सोचिए तब से मम्मी कंटिन्यू इसको हर साल में ओढ़ती है, फिर भी इसका सुंदरता नहीं गया है, और मतलब ख़राब होने वाला नहीं, और पक्का जो उलन होता है ना वो है, तो बहुत कंफर्टेबल है, स्टोल जैसा है, काफ़ी अच्छा लगा था। मम्मी के बारे में तो क्या ही बोले, सो के उठी है दोपहर में, और मम्मी करने जा रही गुलू गुलू। हम आप लोग जब कमेंट करिएगा ना कि गुलू गुलू क्या होता है, तब हम आप लोग को बताएंगे कि गुलू गुलू क्या होता है। तो मम्मी अभी गुलू गुलू करेगी, ठीक है? और अंकल आंटी मैं सगुन दिलकर, अब तुम बाबू का पैंट पहन लेती है। घर का भी ऐसा हालत है ना कि कोई कपड़ा नहीं मिलता है, ठीक है? कौन किसका पहन रहा है, क्या पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कब हमारा घर बनेगा पता नहीं। यहाँ से हमको ना बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, आज 4 दिन हो गया, 4 दिन से हम कमरे में बंद हैं, उधर भी नहीं जा पा रहे हैं ना, तो हमको बहुत अजीब लग रहा है। बार बार निकलते हैं ना तो मन फरिया जाता है, अच्छा लगता है, और घर में बैठे बैठे चला एक ही बात दिमाग में घूमते रहता है, और लड़ाई कर रहे हैं उससे, तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सुबह ही लड़ लड़ के भगाए हैं उसको, दुकान भेजे हैं। आज कर्मा है, कर्मा इधर पूजा होता है झारखंड में, भाई बहन का प्यार का प्रतीक है कर्मा, पेड़ पौधों के लिए पूजा किया जाता है सबकी सलामती के लिए, तो वही है आज कर्मा है। तो कर्मा के दिन में सबके घरों में पकवान वगैरह बनता है, क्योंकि हम तो नहीं करते बट हमारे झारखंड में करते हैं। कर्मा और विश्वकर्मा के मतलब विश्वकर्मा के दिन मंडे को गणेश चतुर्थी भी है, एग्जाम है, तो उसी चीज का हम इसको तैयारी करा रहे। अभी हिंदी है सबसे पहले, तो हिंदी का पढ़ेगी। बारिश अभी बहुत गजड़ के होगा, एकदम गजड़ के। मैं हूँ आम, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हम चलेंगे बाहर और आप लोग को भी दिखाएंगे कि कितना कष्ट से मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि बारिश होगा तो हमको लगता है कि आज बारिश फिर नहीं छूटेगी, और मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हवा पानी खा के आते हैं, और सीढ़ी आधा बना है, हम चाहते कि आधा सीढ़ी चढ़े और देखे कैसा लगता है। बाबू चूंकि सोया है, नहीं तो अभी पता नहीं इस वाले मौसम में क्या कर रहा होता, तवा फी का पेट खराब। ये अनवांटेड आदमी घर आ जाए ना, माथा मेरा खराब हो जाता, पता नहीं क्यों ना इसको नहीं देते है, जाने भी नहीं देते, बेचारा कितना जाना चाहता है, लेकिन पहले मेरे से डील करने दो ना, तुम इधर पढ़ो ना, जाओ, जाने भी नहीं देता, तुम्हारा जरूरत पड़ेगा तब बोलना। तुमको जाने नहीं बोल रहे हैं, तुमको बस इतना कह रहे ना कि सुधर जाओ, वरना सुधार देंगे। और कहाँ से मुंह काला करके आया है? होते रहता है। नहीं सच्ची कह रहे, उधर 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 मुंह करो, उधर देखिए मुंह काला हुआ कि नहीं इसका बताइए। हाँ इधर इधर, नहीं मत देखो ना, इसे लोग डरता है तेरा मुंह टकला सा। छछुंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक और बुलाए, बाबू सोया है।
वो सुर में ताल मिला देगा। वो तो सीधे बात करता है सिर्फ लात से, उसको मुंह से बोलने नहीं आता है। बस दूसरा कोई यहाँ यहाँ क्या लगा का है सो बता ना। क्या लगा है? अरे मम्मा, कर क्या लगा है? अपना क्या है, मुंह का दाढ़ी बाल छीलने के लिए, ठीक है, जो है नहीं। अभी भात बनेगी? भात अभी रासाम में खट्टा हो तो खट्टा खाने में क्या परेशानी है? तो भात भी बना लीजिए, रेवी बनाइए, जिसको जो खाना खाएगा। का बोले और का, और मम्मी को बस चार फार करेंगी। ये रुको रुको, यहाँ रुको, इधर रुको, इधर यहाँ रुको, इधर इधर बैठने नहीं बोला गया? हाँ। बोलना था, टाइम नहीं, जल्दी बोलो। टाइम नहीं है? कहाँ टाइम है तुम्हारे पास? फुर्सत में ना बैठे रहते, फ्री में सरिया वो उधर जाने का टाइम। अपना देखिए हाथ में क्या रखा है, रेजर, जो है नहीं वो छीलेगा। ये बच्ची का पूरा देखिए काम, बाल कटेगा क्या? ऐसे करो, कितना गंदा वाहियात बना रखा है अपना बच्चा को, बताइए। यहाँ तक आता है नाक तक, और अपना दिखा ना, इसका मुंडी उधर कर पीछे, सेब से कट। देखिए जिसको करना नहीं चाहिए वो बुड्ढा आदमी से इधर इधर से ऐसा स्टाइल मारा है। क्या क्या बोलते हैं उसको, कटिंग। बप्पा 25 साल के हैं, थोड़े तो कल 40 साल हो गया है, झूठ बोल रहे हैं। कह रहा है खुद को 25 साल, यंग मैन है, और हम बुढ़िया है, बुढ़िया तो है ये है। अभी हम काय बुढ़िया पास आया था, जवान की नहीं मिल रही थी तोरा? अंकल आंटी हम पापा से पूछे थे कि पापा क्या बोलते हैं, क्या पूछे थे कि ये भी भूल जाते, मत भूल जा भाग यहाँ से, कि हाँ कि आपके पास क्या करने का टाइम है, ऐसे हम यहाँ पर पूछे थे। तो बोले नहीं, पापा बोले ना कि हमको बहुत टेंशन रहता है, तो हम बोले ना क्या चीज का टेंशन रहता है, तो पापा बोले ना कि ये बुढ़िया को सब मालूम रहता है। मम्मा को बोले कि ये बुढ़िया को सब मालूम रहता है, इससे पूछो। कलेश करवाएगी, जो बोला वही ना बोल रही है अभी, जो छोड़ रहा ना ऐसे ऐसे दर से चर से चीर देंगे। देख लीजिए कैसा कुकुर जैसा मुंह छिल रहा है बना के। दो ना हम एक ही बार सब उड़ा देंगे एकदम साफ सफा चट पूरा। मम्मी करेले का जूस बनाई है, लाई अपना बगीचे से एक छोटू सा, उसमें टमाटर और तुम पी लो ना, करेला से और कड़वा हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारा काबुल। बच्चा के सामने कड़वा का उल्टा नहीं बोल सकते हैं, कड़वा का उल्टा मीठा नहीं, तुमने वो समझ गया, कड़वा की जगह में सिर्फ का की जगह में कुछ और लगाना है। बहुत जोर से बोलो, जोर से चुप रहो, पता चल गया लेकिन बोले चुप रहेगी, क्या बोला बोलो तो करे, जोर से बोलो, चिलोही का जोर से बोल, तेरे ना ताकत नहीं चीखने का, चिलोही का हम वाहियात है, हम बहुत वाहियात है। अपुन अब इतना बेशरम हो गया ना, बहुत बेशरम, हमको वाहियात जैसे शब्द तो सब है वो डब्बे में, जो कम पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। नया कुछ इन्वेंट करिए, नया कुछ इन्वेंट करिए आप सब, और ये हमको अब बड़ा कढ़ाई बनाए आधा घैसवा तो बड़के कढ़ाई हम जर जीतोगे, घर पे जैसा बनाते हैं ना वैसे बनाइए। हे दोस्तों क्या ही बोले, हमारे घर में कुछ बनने जा रहा है जो हम आप लोगों को रेसिपी शेयर करेंगे दूसरे वाले ब्लॉग में। आज त्योहार है तो इस घटिया आदमी को बोले कुछ अच्छा सा लेके आओ, बहुत पैतरा दिए हैं तब गया लाने, वापस से वही गया और सुअर का मीट लेके आया और खुद खाएगा, इसको बहुत पसंद है। तुमको रेड मीट तुमको पसंद है, बफेलो का ब्लैक मीट। अब बोलो नहीं बफेलो और पी, अच्छा बोलने बोलेगा ना उसको तो नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा ऐसे, मगर जब आप लड़ाई करिए ना बराबर से जवाब देगा, एक बात भी नीचे नहीं गिर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक शब्द नहीं गिरेगा। माँ ने शोभित को उठाते हुए क्या कहा, ये हो चुका है। चलो अब यहाँ आम का असली नाम मैंगी फेरा इंडिका है। हाँ। मैंगी फेरा होता है कि मैंजी फेरा होता है? मैंगी फेरा इंडिका।
चल ठीक है, हम जा रहे हैं, चल ना। मैंजी फेरा दिखा रही है, मैगी फेरा इंडिका, अंग्रेजी में मैंजी फेरा लिखाता है, मैगी फेरा होता है मैगी। चल चल हम जा रहे हैं दुकान अदरक लाने। अभी नहीं बोला देते तो आप लोग को लगता कि पैसा बहुत है इसलिए स्नैक्स खरीदने जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है सर, कुछ लाइक सब्सक्राइब दे दीजिए पैसा की जगह में। बोल रही है लाइक सब्सक्राइब दे दीजिए पैसा की जगह में, बच्चा लोग भी जानता है आजकल क्या बोले। नहीं तो क्लिक करना है सब्सक्राइब का और लाइक का। बन गया मुझ मुंडा बायाद सा, ऐसी हाथ से खाएगा पिएगा। दस का देगी? हमको नहीं पता। दे देगी, थोड़ा सा देगी। हमको नहीं पता कितना रुपया में देंगी, और अगर 100 रुपया लेके जाएंगे तो घुमा के लाएंगे पैसा। ये चिकन मसाला लाया था? हाँ रे, तू बोला दी। हाँ रे, इसमें बहुत लाया है तो जोर देख के बोलेगा। हाँ प्रीति जी, मोबाइल से 10 रुपए निकालें पीछे से दीजिए ना बच्चा को। हाँ हाँ, हम 10 रुपए हाँ देंगे भिखमंगा जी। भिखमंगा आदमी जैसे हम तो भीख नहीं मांगेगा ना, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए हट यहाँ से। मेरे मोबाइल के पीछे कबर में हम 5, 10, 50 जितना अपना औकात है रखते हैं, क्योंकि हम कैरी नहीं कर सकते। ये आदमी हमको फोन पे पेटीएम फाटीएम कुछ नहीं दिया है, तो बच्चा लोग को लेके घूमते हैं बाल बुतरू को, तो यहीं से 10-20 लेके कुछ देते हैं। ये देख लेगा ट्रांसपेरेंट है कवर लगा हुआ, बस मांग देगा वहीं से, आदत इसका भिखमंगा का। ओ पापा देना, देन तेरे को देंगे। ओए पापा, उस दिन 150 लिए इसे लड़के, ठीक है, और 150 रुपए चुप रहो ना, 150 रुपए लिए थे हम इसी से लड़के की सब्जी लाए थे उससे पहले, हम जो आप लोग देखे थे क्लास करने गए थे, ये दिया हमको और फिर इसी का हम लगा दिए। कितना कहानी सुनाएगी रे, पूरा भाई 100-200 का ऐसा कहानी सुनाती है कि एकदम। तुम करोड़ों का कारोबार करते तो कहे हमसे मांगते 10 रुपया और का तुम्हारा यही है तो फिर देखे खुला मेरे पास नहीं। बोली सुनिए, बोलिए गरम मसाला से भी गरम इसका बोली है। दो ना उसको इंतजार कर रही है, 10 रुपया दे दे। लेने का एक हूर होता है, गुण होता है, वो है तुम्हारे पास? अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दे दे। मुर्गा 2 किलो पता नहीं। हाँ। जाओ। हाँ। सुनो जल्दी आना, बारिश का मौसम लगा देगा बेटा। हाँ ऐसा गुण सोचे थे कि आज बाहर जाएंगे घूमेंगे और थोड़ा सा कर्मा उर्मा का वीडियो बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे, मगर ये बारिश में कहाँ जाए, सारा मूड का कचरा कर दिया है। और ये आ गया खाने के लिए, 4 घंटा से हम लोग इतना मेहनत से बना के खाने जा रहे हैं, आज कर्मा के दिन पे भी मूड अपसेट है कि बारिश छूटने वाला नहीं है, अभी बहुत दिन तक ऐसे ही लगा के रखेगा। बच्चा लोग खा रहा है, कम से कम नीचे तरीके से बैठ के खाया करो ना। अरे प्रेम से बोलो, अरे प्रेम से बोलो। देखते कौन कौन सुनते हैं कि हम तो दो ही पीस खाते हैं, अभी इसका आधा पीस भी नहीं हुआ, ये पीस नहीं है, ये नहीं है, ये ऊट मुंह ऊट के मुंह में जीरा। जीरा नहीं है ये पुआ, जीरा के साथ में गोलकी भी। किसु बोल रहा था उसको बोलने देती, क्या बोल रहे थे किसु? नहीं मालूम क्या बोल रहे थे। नहीं मालूम, नहीं मालूम बेटा क्या है। भूसका, भूसका किसु खा रहा है, भूसका इसका फेवरेट है भूसका। और मम्मी उधर का भूसका, तो अभी मम्मी बना रही है उसमें, क्या बना रही है मम्मी? भूसका और कचरा, कचरी, कचरा बोला जा रहा बार बार, ये कचरा आदमी बगल में बैठेगा तो यही सब बोलाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से दूसरे ब्लॉग में, और ये लड़का तो जहाँ भी बैठेगा देख रहे इसका, देखिए कोहनी, देखिए कैसे कैसे रखेगा पैर का, उसको मिला खाने को कि नहीं मिला है लोगों को।